हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हमारा हैबिटेट। ठीक है, देखिए अपने टॉपिक का नाम क्या है, हैबिटेट। अब एक्चुअल में हैबिटेट होता क्या है साइंस के अकॉर्डिंग, क्या अपने साइंस में यूज आता है, ये टर्म क्या है, इसको समझने की अपन कोशिश करते हैं। ठीक है, हैबिटेट देखिए मतलब जो जिस तरीके से जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव हैं, अपने पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, जिसमें जितने भी जीव है, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सारे लिविंग बींग्स जो है जिस जगह पे पर्टिकुलर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, हैबिटेट। ठीक है ना, अगर अपन इसको नॉर्मली समझना चाहें तो देखो अपने पास एक वर्ड भी बन रहा हैबिट और एट। एट जो है जनरली अपने क्या होता है किसी पर्टिकुलर प्लेस जिस जगह पर रह रहे हो या फिर किसी जगह के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और हैबिट जहाँ मतलब अपनी आदत, क्या वो जिस जगह रहने की आदत होती है उसी को क्या बोलते हैं अपन, हैबिट है। ठीक है ना, जो अपना मान लो घर हो गया है, जैसे अपन जिस जगह रहते हैं वो क्या होता है अपना घर होता है। इस तरीके जितने भी एनिमल्स वगैरह होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनकी कोई ना कोई जगह होती है, उस जगह वो रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं उनका हैबिट है। ठीक है, तो इसकी डिफाइन क्या हो सकती है अपने देखिए, डिफाइन तो प्लेस वेयर एनिमल्स या फिर अपन बोलते हैं लिविंग बींग्स जो क्या करते हैं रहते हैं, तथा प्लेस वेयर लिविंग बींग्स लिव। ठीक है, ऐसी जगह है जहां पे क्या होते हैं लिविंग बींग्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, हैबिटेट। ठीक है, अब हैबिटेट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है ना, तो अलग टाइप के कैसे हो सकते हैं, क्योंकि भाई कुछ जगह ऐसे है जहां पे अपने मेन दे तो क्या है मतलब दो टाइप से अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक तो क्या हो गया लैंड यानी जमीन जिस जगह पे मतलब अपन रहते हैं, और दूसरा हो जाता है अपने पास कि भाई पानी वाली जगह वाटर जहाँ पे क्या होते हैं सारे एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं। ठीक है ना, दो टाइप से अपन क्या करते हैं हैबिटेट को डिवाइड कर दिया है, एक्वेटिक हैबिटेट एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है, तो एक्वेटिक अलग चीज होती है और टेरेस्ट्रियल अलग चीज होती है। ठीक है ना, तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात करने से पहले आपको एक टर्म और समझनी होगी, इसमें क्या होता है जो कंपोनेंट्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं एनवायरमेंट में, दो टाइप कंपोनेंट्स अपने पास अवेलेबल है। एक तो या फिर कंपोनेंट बोल दो या फिर अपन फैक्टर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं फैक्टर्स। ठीक, तो दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं अपने पास, एक तो बायोटिक होते हैं और एक एबायोटिक होते हैं। ठीक है ना, तो ये कहाँ पे होते हैं एनवायरमेंट में, तो एक शुरू में अपने पास बात आती है बायो एनवायरमेंट क्या चीज होती है, तो एनवायरमेंट को भी समझने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए अपन देखते हैं साइड टॉपिक को लेकर, फर्स्ट आ रहा है अपने पास एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट क्या चीज है, अपन को अपने चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं दिखाई देती हैं, अपने चारों तरफ अपन नजर घुमाए जो जो चीजें अपन अवेलेबल है, जो वो सारी कलेक्टिवली रूप से जो उनकी बात करेंगे तो वो क्या हो जाते हैं अपन लिए एनवायरमेंट। ठीक है ना, तो देखिए इसको क्या बोल सकते हैं अपन, सराउंडिंग या फिर ऑल थिंग्स दैट आर अपीयरिंग इमीडिएट टू ओवर सराउंडिंग इज कॉल्ड एनवायरमेंट। ठीक है ना, देखिए सिंपल से टर्म्स है, ऑल थिंग्स जितनी भी चीजें हैं, ठीक है ना, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सारे कंपोनेंट को अपन इंक्लूड करेंगे इसमें। All things that are appearing immediate, मतलब तुरंत जो उस समय जब जिस समय की अपन बात कर रहे हैं अपने चारों तरफ से अपन दिखाई दे टू ओवर सराउंडिंग में चारों तरफ, उसको क्या बोलेंगे इस कॉल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें क्या देखिए यहाँ पे आ जाएंगे आर कॉल या फिर उनको कलेक्टिवली रूप से क्या बोलेंगे अपन एनवायरनमेंट। ठीक है, ये तो हो गया एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट बनता किन चीजों से है, तो फैक्टर्स वो है अपने पास, तो बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स मेक एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को बनाने का काम कौन कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को बनाने का काम दो फैक्टर्स है जो कर रहे हैं, एक तो है बायोटिक फैक्टर और एक और दूसरे सेकेंड होते हैं एबायोटिक फैक्टर, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो बायोटिक और एबायोटिक की चीज क्या होती है उसको अपन समझने की कोशिश करें। देखिए तो फर्स्ट हमारे अपने पास बायोटिक और सेकंड आ रही है एबायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर को अगर मैं समझना चाहे तो मतलब जितने भी लिविंग बींग्स है ना वो सारे क्या हो जाएंगे बायोटिक फैक्टर के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे।
जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए चाहे एनिमल हो, सारे टाइप के एनिमल्स, चाहे प्लांट्स हो, सारे टाइप के प्लांट्स होंगे, वो सब किसमें आ जाएगी अपने पास, बायोटिक फैक्टर्स में, ठीक है। लेकिन इसके अपोजिट में बात करते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि सन हो गया, लाइट हो गई, एनर्जी हो गई, अब जितने दूसरी चीजें, जैसे भाई एनर्जी के साथ हम बात कर रहे हैं, एयर, लैंड, जमीन हो गई, सोइल हो गया, वाटर हो गया, ये सब चीजें क्या है, ये अपने इंक्लूड हो जाएगी एबायोटिक फैक्टर में, ठीक है ना। इनको अपन नॉन लिविंग थिंग बोलते हैं, मतलब लेकिन क्या है, बायोटिक फैक्टर के अलावा जो चीजें बच रही है वो क्या हो जाएगी, एबायोटिक फैक्टर्स में, ठीक है। देखिए तो फर्स्ट आ गया अपने पास बायोटिक फैक्टर्स। तो बायोटिक फैक्टर्स में हम किसको इंक्लूड करेंगे, दो चीजें, ऑल लिविंग थिंग्स, सिंपल वर्ड्स में ये बोल सकते हैं, या फिर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड बायोटिक फैक्टर्स, ऑल कुछ भी बोलो, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड बायोटिक फैक्टर्स। जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, बायोटिक फैक्टर्स। एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है कि प्लांट और एनिमल बोला, इसमें मतलब सारे प्लांट्स अपन इंक्लूड कर लिए, तो ये सभी जो प्लांट्स और एनिमल्स होंगे इनके एग्जांपल्स होंगे, ठीक है ना। इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, जो साथ में प्लांट्स और एनिमल्स के साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना उनको भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो भी क्या है, बायोटिक फैक्टर के अंदर ही इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद अपने डिफाइन आ रही है एबायोटिक फैक्टर की। अब देखते हैं एबायोटिक फैक्टर क्या चीज होती है, एबायोटिक फैक्टर्स। अब एबायोटिक फैक्टर की बात करने जा रहे हैं तो मैंने आपको बताया नॉर्मली अपन क्या करते हैं, वो पांच जो चीजें हैं उनको इंक्लूड करते हैं। एक तो है हमारे पास लाइट, ठीक है। सेकंड, टेम्परेचर, जिस जगह अपन रह रहे हैं वहां का टेम्परेचर, ठीक है ना। इसके साथ बात करते हैं और अपने पास एक लाइट, टेम्परेचर, एयर, ठीक है ना। एयर के बाद आता है अपने पास जिस जगह रह रहे हैं वहां की सोइल, यानी कि मिट्टी, ठीक है। एक तो ये हो गई, और लास्ट हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वाटर, ठीक है। तो लाइट, टेम्परेचर, एयर, सोइल एंड वाटर, ये क्या है, अपने एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, आर एबायोटिक फैक्टर्स। ये सब क्या है, अपने एबायोटिक फैक्टर्स होंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद बात आती है कि भाई बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, दोनों साथ में मिलकर क्या करते हैं, एनवायरनमेंट बनाते हैं। अब किस तरीके से एनवायरनमेंट को बनाते हैं, एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो किस तरीके से साथ में मिलकर एनवायरनमेंट को बना रहे हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, बायोटिक की बात करो या एबायोटिक की बात करो, दोनों क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड, ठीक है ना। चाहे बायोटिक फैक्टर हो चाहे एबायोटिक फैक्टर हो, क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। कैसे रहते हैं तो इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बायोटिक या फिर कहते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। अब इंटरडिपेंडेंस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर कैसे होता है, ठीक है ना, इसको देखिए। सबसे पहले अगर अपन बात करें नॉर्मली प्लांट्स की, ठीक है ना, तो प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस का यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, अपना फूड किससे बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस क्या चीज होती है, मैं आपको पहले समझा चुका हूं, फिर वापस देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है, जिसमें क्या होता है, प्लांट्स जो अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, और किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक तो वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। और क्या चाहिए इसको, लाइट की भी रिक्वायरमेंट होती है, और जो इसके पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल, उसकी रिक्वायरमेंट, ठीक है। और बनाते क्या है, एक तो ऑक्सीजन जिसको शॉर्ट में O2 बोलते हैं, प्लस वाटर ग्लूकोज, ठीक है ना। ग्लूकोज मतलब क्या होता है, ये प्लांट से जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनसे मिलता है, प्लांट
प्रोडक्ट्स, उनको किस में मिलता है अपन को, प्लांट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि भाई देखिए इंटरडिपेंडेंस कैसे हो रही है। प्लांट्स जो है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए किसको यूज में ले रहे हैं, वाटर को ले रहे हैं, लाइट को ले रहे हैं, ठीक है ना। और वाटर लाइट को तो ले रहे हैं, लेकिन वाटर कहाँ से अवेलेबल हो रहा है, वाटर अपन को सोइल इससे तो मिल रहा है। अगर मिट्टी नहीं होगी तो प्लांट्स को वाटर कहाँ से मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। इसी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है। अगर एयर नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का अपन सोच ही सकते कि भाई अस्तित्व तो होगा, ठीक है। ये लाइट जो सनलाइट से हमको मिल रही है, टेम्परेचर के लिए जिस तरीके का टेम्परेचर चाहिए गर्म या ठंडा, वो भी रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी हो रही है, बायोटिक फैक्टर से हो गया। प्लांट है खुद तो बायोटिक फैक्टर, लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है, एबायोटिक फैक्टर पे, ठीक है ना। और बनाता क्या है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज, और ऑक्सीजन और ग्लूकोज को क्या कर लेते हैं अपन यूज में लेते हैं। अपन ऑक्सीजन ले रहे हैं, मिल कहाँ से रही है, प्लांट से मिल रही है, ठीक है ना। और दूसरे जो प्लांट के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उनमें ग्लूकोज होता है, चाहे वो कोई सा भी प्रोडक्ट हो उससे ही अपन को ग्लूकोज मिलता है, बाकी अपने पास अल्टरनेट सोर्स और नहीं होते हैं, ठीक है ना। इससे अपन क्या कर लेते हैं, ग्लूकोज को ले लेते हैं। तो डायरेक्टली तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, सनलाइट के लिए किस पे डिपेंड है, एबायोटिक फैक्टर पे। और अपन इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहे हैं, सनलाइट पे, एबायोटिक फैक्टर पे, ठीक है ना। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जैसे कि वाटर हो गया, अपन डायरेक्टली डिपेंड करते हैं एबायोटिक फैक्टर पे, और यानी कि बायोटिक फैक्टर डिपेंड कर रहे हैं एबायोटिक पे। और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिन पे बायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली नहीं करते हैं डिपेंड एबायोटिक फैक्टर पे, ठीक है ना। कुछ तो डायरेक्टली डिपेंड करेंगे और कुछ इनडायरेक्टली डिपेंड करेंगे। मतलब क्या है, बायोटिक फैक्टर क्या है, पूरी तरीके से एबायोटिक पे डिपेंड है, और एबायोटिक भी क्या है, बायोटिक पे डिपेंड है। क्योंकि अगर एबायोटिक फैक्टर का यूज क्या है, अगर बायोटिक फैक्टर होंगे ही नहीं तो, ठीक है ना। इसलिए बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स क्या होता है, पूरी तरीके से क्या करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद बात आती है अपने पास कि भाई एक छोटा सा वर्ड आता है इकोलॉजी। ये इकोलॉजी क्या चीज होती है, एक छोटी सी नाम है इकोलॉजी। तो इसको अपन समझना चाहे तो जो अपन अभी तक कर क्या रहे हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में डिटेल में स्टडी होती है उसको बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी क्या है, स्टडी बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक और एबायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं उनकी जो स्टडी होती है उसको डिटेल में शो करते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, इकोलॉजी, ठीक है। ये एक तरीके से क्या होती है, मतलब एक ब्रांच है स्टडी में, जिसको अपन क्या डिटेल में किसी भी चीज से, साइंस के अलग अलग ब्रांचेस होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो ठीक है ना। उसी तरीके से अपने पास क्या होती है, इकोलॉजी की एक ब्रांच जिसमें डिटेल में स्टडी की जाती है, जो बायोटिक कंपोनेंट हो गए, एबायोटिक कंपोनेंट हो गए, साइंस की ब्रांच है ये, इसमें डिटेल में स्टडी की जाती है, ठीक है ना। ये आ गई अपने बात इकोलॉजी की। इसके बाद अपने पास जो मेन रह गया था कि भाई अपने बात कह रही थी हैबिटेट की। हैबिटेट जो है कितने टाइप्स के हो गए, देखिए टाइप्स ऑफ हैबिटेट। टाइप्स ऑफ हैबिटेट तो फर्स्ट हो गया अपने पास टू टाइप के लिए, कितने हैं, टू टाइप के, ठीक है। फर्स्ट अपने पास आता है एक एक्वेटिक हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट क्या है, ये एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक है ना। अब एक्वेटिक जो वर्ड है ना वो दो वर्ड से मिलकर बन रहा है, ये दो वर्ड से मिलकर बन रहा है, तो एक्वा से मिलकर बन रहा है। मेन तो क्या वर्ड है अपने पास, एक्वा। एक्वा मतलब होता है वाटर, क्या होता है, इसका मतलब होता है वाटर। तो यानी कि ऐसे जगह जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी प्रॉपर हो, मतलब सारी जगह क्या वाटर ही वाटर है, तो उस हैबिटेट उस जगह को क्या अपन क्या बोलेंगे, एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक है ना। और इस तरह के जो एनिमल्स रहेंगे उनको बोलेंगे अपन हाइड्रोपोल्स, और जो प्लांट्स रहेंगे उनको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफाइट्स, ठीक है ना। तो देखिए डिफाइन सिंपल से डिफाइन है कि
डिफाइन आप उसी फॉर्म में एक्वेटिक हैबिटेट की तो क्या है जहां पे एक्वेटिक एनिमल्स रहेंगे या एक्वेटिक प्लांट्स रहेंगे वो तो क्या हो जाएगी एक्वेटिक हैबिटेट और एक्वेटिक प्लांट और जो एनिमल्स होते हैं उनको बोलते क्या एक्चुअल में वो होते हैं हमारे पास हाइड्रोफाइट्स एंड हाइड्रोपोर्स देखिए एनिमल्स दैट लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स ठीक है ये हो गई बात हाइड्रोफाइट्स की इसी के बाद बात आती है एक्वेटिक एनिमल्स की एक्वेटिक एनिमल सॉरी हमारे पास डिफाइन थी प्लांट्स की ऐसे प्लांट्स हो क्या कर रहे हैं जल में यानी कि पानी में रह रहे हैं उनको क्या बोल रहे हैं अपन हाइड्रोफाइट इसके बाद बात आती है एनिमल्स की एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोपोल्स ठीक है देखिए ऐसे एनिमल्स जो क्या कर रहे हैं वाटर में रहते हैं उनको क्या बोल रहे हैं हाइड्रोपोल्स एग्जांपल्स की बात करना चाहते हैं कि एग्जांपल्स देखिए क्या हो सकते हैं इसके एग्जांपल होंगे अपने पास हाइड्रोफाइट्स के एग्जांपल लोटस और वाटर लिली और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो क्या हो केवल पानी में रह सकते हैं ऐसे जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होंगे किसके एग्जांपल हाइड्रोफाइट्स के एग्जांपल ठीक है नेक्स्ट आती बात अपने पास हाइड्रोपोल्स ऐसे जीव जो क्या करते हैं पानी के अंदर रहते हैं वो क्या बोलते हैं अपन हाइड्रोपोल्स इसके एग्जांपल क्या होंगे अपने पास जानते हैं हम लोग फिश क्रोकोडाइल ठीक है और भी दूसरे होते हैं जैसे कि क्रोकोडाइल साथ ठीक है ना बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनको अपन यहाँ पे उनके नेम यूज कर सकते हैं ठीक है ना नेक्स्ट बात आती है अपने पास एक्वेटिक हैबिटेट के बाद टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ठीक है नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स नाम से पता चल रहा है एक तो क्या था अपने पास जो वाटर वाली जगह दूसरी क्या हो गई जमीन ठीक है ना तो इसकी डिफाइन सीधी बन रही है अपने पास प्लांट्स दैट लिव इन या ऑन लैंड ठीक है ना वो कौन से हो जाएंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इनको स्पेशली कुछ बोला नहीं जाता है ठीक है प्लांट्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स सॉरी प्लांट्स ठीक है नेक्स्ट आता है अपने पास एनिमल्स ठीक है एनिमल्स दैट लिव इन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ठीक है ना ये तो हो गई अपने बात टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एनिमल्स की तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एनिमल्स के एग्जांपल नॉर्मल जो अपने आसपास आपको जो भी पौधे दिखाई पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं वो सारे क्या होंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के एग्जांपल है और अगर आप बात करो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की तो जो भी पेड़ पौधे या सॉरी जो भी एनिमल्स आपको अपने आसपास दिखाई दे रहे हैं वो सारे एग्जांपल्स किसके हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के ही एग्जांपल है क्योंकि अपन क्या है जमीन पे रहते हैं जमीन पे रहने वाले वो जितने भी जानवर या फिर पौधे देखेंगे वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ही होंगे ठीक है ये एग्जांपल्स आप समझ चुके हैं अब अगर आपको पूछने की डिफाइन एक्वेटिक हैबिटेट की क्या होगी एक्वेटिक हैबिटेट की डिफाइन क्या होगी तो एक्वेटिक हैबिटेट की अगर डिफाइन बनाना चाहें अपन सिंपल टर्म में तो देखिए दोनों की मैं आपको डिफाइन बना के बता देता हूं एक्वेटिक हैबिटेट हाँ तो एक्वेटिक हैबिटेट की डिफाइन देखिए द प्लेस वेयर
place where hydro fluoride and hydro coals leak are called aquatic habitat. ठीक है ना, ये एक्वेटिक हैबिटेट क्यों हो गए। अगर आप मुझे पूछते हैं कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स क्या होते हैं, तो सिंपल से डिफाइन है, अ प्लेस वेयर, इसकी जगह क्या आ जाएगा, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स लिव आर कॉल्ड एक्वेटिक, की जगह क्या हो जाएगा, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। ठीक है, सिंपल डिफाइन है, तो टेरेस्ट्रियल habitat, a place where terrestrial plants and animals live, ऐसी जगह जहां पे टेरेस्ट्रियल प्लांट और एनिमल रहते हैं, वो क्या हो जाएगा, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है, ये हो गया अपने सिंपल टर्म्स में इनका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, वो देख लीजिए मेन तो क्या है अपना, इस जो प्रॉब्लम है हमें समझने की होती है, तो हमारे एक बार आपको समझना आएगी नहीं कि एक्चुअल में चीज क्या है, मतलब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है क्या, ऐसी जगह जहाँ पे क्या हो सारे एनिमल्स जो क्या हो पानी के अंदर रहते हैं, तो अपन डिफाइन कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, डिफाइन किसी भी टाइम पे बन सकती है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन उसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, यहाँ तक अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिएगा, कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, या फिर अपनी जो प्रॉब्लम हो उसको हमारे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं।